मैं हरियाणा में आया आज, हरियाणा मेरी जन्म भूमि है, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, तो हरियाणा मेरी जन्म भूमि है। यहाँ पे सारी रिश्तेदारियां, आप में से कई लोग मेरे चाचे हैं, कोई ताऊ, कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई भाई, कोई चचेरा भाई, कोई ममेरा भाई, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जन सैलाब के सामने अरविंद केजरीवाल का पावर देख मोदी और शाह के उड़े होश। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी झाड़ू चलाने की कवायद में जुटी है। इस कड़ी में गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जींद में तिरंगा यात्रा निकाली। यहां दोनों सीएम ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और आप सरकारों के कामकाज को गिनाया। यात्रा के दौरान भगवंत मान ने कहा कि आप सभी ये संकल्प लें कि आगे से जो भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, स्थानीय चुनाव हो, आपका चुनाव चिन्ह एक ही होगा, झाड़ू। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली मेरी कर्म भूमि है तो हरियाणा मेरी जन्म भूमि है। आप में से कई मेरे चाचा, ममेरे भाई, चचेरे भाई हैं, आप सभी मेरे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार होने के नाते आइए मिलकर काम करें और आपकी जीत सुनिश्चित करें। विपक्षी एकता की चर्चा के बीच केजरीवाल ने जींद में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस ने कभी आपसे कहा है कि वे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे? जिन राज्यों में सरकार है उनका बुरा हाल है, मैं सरकारी स्कूलों को ठीक कर दूंगा और प्राइवेट स्कूल वालों को भी ठीक करूंगा। मुझे पता है कि दोनों को कैसे करना है, ना कांग्रेस ना भाजपा आपकी पढ़ाई ठीक करेगी। अब आइए सुनते हैं कि केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। आज आपका जोश देख के मजा आ गया, इतने लोग आप जो यहाँ, आपको पीछे का नहीं दिख रहा, पीछे जहां तक नजर जा रही है वहां तक तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दे रहे हैं। हमें अपने और सबको मिलके इस तिरंगे की लाज रखनी है। इन सारी पार्टियों ने मिलके देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं हरियाणा में आया आज, हरियाणा मेरी जन्म भूमि है, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, तो हरियाणा मेरी जन्म भूमि है। यहाँ पे सारी रिश्तेदारियां, आप में से कई लोग मेरे चाचे हैं, कोई ताऊ, कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई भाई, कोई चचेरा भाई, कोई ममेरा भाई, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, इन्होंने अब 25 साल से कांग्रेस का राज है, 9 साल से बीजेपी का राज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक काम बता दो जो इन पार्टियों ने अच्छा कराओ, एक काम बता दो जी कोई कांग्रेसियों ने अच्छा कराओ, एक काम बता दो जो कोई बीजेपी वालों ने, खट्टर साहब ने अच्छा कराओ, कोई स्कूल अच्छे बना दियो, कोई सड़कें बना दियो, आपके गांव में कोई अच्छा इंतजाम, पानी का इंतजाम, कोई सिंचाई का इंतजाम कराओ, आपके बच्चों को नौकरी दियो, कोई अस्पताल बना दियो, तो फिर क्यों वोट देते हो इनको? अभी तक मजबूरी थी, क्या करें, एक बार कांग्रेस से गुस्सा आता था बीजेपी को दे देते थे, बीजेपी से गुस्सा आता था कांग्रेस को दे देते थे। अब मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो कोई नेता आपको आके नहीं कहता, कोई पार्टी नहीं कहती, मेरे को एक मौका दो, मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दूंगा, कोई नेता आके नहीं कहेगा। कांग्रेस कभी आपको नहीं आके कहेगी हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। बच्चों को अच्छी पढ़ाई करानी है नहीं करानी, बच्चों को बड़ा होकर कुछ बनाना है नहीं बनाना, कैसे बनेंगे? अच्छी पढ़ाई कराओगे तभी तो बनेंगे। अगर अच्छी, इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में भेजता है, प्राइवेट स्कूलों ने भी गुंडागर्दी मचा रखी है, मचा रखी कि नहीं मचा रखी? मैं सरकारी स्कूल भी ठीक कर दूंगा और प्राइवेट वालों को भी ठीक कर दूंगा, दोनों करने आते हैं मेरे को। दिल्ली में कर दिए, अब पंजाब में मान साफ कर रहे हैं, सरकारी भी ठीक कर रहे हैं, प्राइवेट भी ठीक कर रहे हैं। यहां से एक घंटा में सुन लूंगा। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि
हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, ना भाई साहब कांग्रेस देगी, ना बीजेपी देगी, केवल आम आदमी पार्टी देगी। दूसरा, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा, रोजगार का इंतजाम कर दूंगा। रोजगार बेरोजगारी है कि नहीं है? या कौन कौन बेरोजगार है, हाथ खड़े करो, बताओ कितनी बेरोजगारी है। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरी दिलवाई है, 12 लाख बच्चों को। पंजाब में मान साहब ने 30,000 तो सरकारी नौकरियां दे दी और लगभग 3 लाख प्राइवेट नौकरियों का इंतजाम कर रहे हैं। अभी 3 लाख प्राइवेट नौकरियों तो रोजगार चाहिए नहीं चाहिए? भाई साहब मेरे को बता देना, कोई कांग्रेस का नेता अगर आके कह दे कि मैं रोजगार दूंगा, कोई नहीं देने वाला। खट्टर साहब ने किसी को नौकरी नहीं दी, हमको नौकरी देनी आती है। मैं आपके घर की बात करूंगा, आपके बच्चों को नौकरी दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, आपके घर में कोई बीमार हो गया उसका इलाज फ्री में कराऊंगा। बड़े से बड़े अस्पताल में, ऐसे वैसे छोटे मोटे अस्पताल में नहीं भाई साहब, बड़े से बड़े। आपके घर में बुजुर्ग बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई, पिताजी बीमार हो गए, दादा बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, सबका इलाज फ्री में कराऊंगा। दिल्ली में करा रहे हैं हम लोग, पंजाब में शुरू कर दिया। ये बातें कोई आके नहीं करेगा। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।